हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि BSTC 2023 के लिए जो काउंसलिंग चल रही है उसका एक और नोटिफिकेशन आया है। काउंसलिंग की डेट है वो बढ़ा दी गई है और जो नए स्टूडेंट है वो दोबारा से काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो उन्होंने पहले काउंसलिंग करवाई है वो दोबारा से काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आया है तो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। तो वीडियो पर नए तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जैसा कि दोस्तों आपको यह नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पर शो रहा होगा, इस नोटिफिकेशन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। काउंसलिंग में सम्मिलित नवीन अध्यापन संस्थाओं द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, यानी कि कॉलेज हैं वो अपनी नई जुड़ गई हैं, उनको नई कॉलेज हैं उनको अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट करने की डेट है 9 जनवरी से 10 जनवरी के बीच उन्हें अपनी कॉलेज है वो BSTC की वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी। इसके बाद काउंसलिंग पंजीयन शुल्क राशि 3000 रुपये भुगतान, नए विद्यार्थी हैं वो 3000 रुपये 10 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक वो अपनी काउंसलिंग की फीस है भर सकते हैं। दोबारा मौका दिया गया है, जो स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवा पाए हैं वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिन स्टूडेंटों ने काउंसलिंग करवा दी है उन्हें काउंसलिंग द्वारा करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो उनका नाम आएगा, जो कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से। तो इसमें आपको करना क्या होगा, काउंसलिंग करवा देनी है 12 जनवरी तक और 10 जनवरी से 13 जनवरी तक कॉलेज है वो 13 जनवरी तक आपको भरकर सबमिट कर देनी होगी, जिससे कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी और यदि आपका नंबर मेरिट लिस्ट में आता है तो आपका सिलेक्शन BSTC में हो जाएगा, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।